हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है मुझे 3x² / x^6+1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर 6 को एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख लूँगा और 1 को 1 का स्क्वायर लिख लूँगा। अब देखिए, x क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव 3x² होता है, तो मैं क्या करूँगा, x क्यूब को t पुट कर लूँगा। डेरिवेटिव करने पर 3x² आ जाएगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx² dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब 3x² dx इसकी जगह पर अपन लिख देंगे dt। नीचे x क्यूब है, x क्यूब की जगह t आ जाएगा, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है। अगर मेरे पास 1/(x²+a²)dx का इंटीग्रेशन करना हो, यानी इस फॉर्म में हो, तो इंटीग्रेशन क्या बनती है, 1/(a)(tan−1x/a+constant। अब t की जगह मेरे पास, मतलब x की जगह t है और a की जगह मेरे पास 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी 1/(a), तो 1/(1) आ गया, tan इनवर्स x की जगह पर t आ गया और a की जगह पर 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर मैंने ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया। इसे तो आप रहने दें, मल्टीप्लाई में ही है, tan इनवर्स t को दोबारा आप एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, x क्यूब नीचे वन लिखना है लिख दे, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये मेरा फाइनल आंसर तैयार हो गया। थैंक यू।